शाहरुख खान वो एक्टर जिन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, अपनी बेहतरीन एक्टिंग के दम पर लाखों करोड़ों को अपना दीवाना बनाया है। हर कलाकार उनके साथ एक बार काम करने की तमन्ना ज़रूर रखता है। वहीं अभिषेक बच्चन, वो वर्सटाइल एक्टर जो फिल्मों में अलग अलग तरह का रोल करने में माहिर माने जाते हैं। शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन दोनों अच्छे दोस्त हैं, रियल लाइफ में दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। अभिषेक बच्चन और शाहरुख खान करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना और हैप्पी न्यू ईयर में साथ काम कर चुके हैं। कभी अलविदा ना कहना में अभिषेक बच्चन ने रानी मुखर्जी के पति और फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान के दोस्त बने थे, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आएंगे। फिल्म का नाम है किंग, जिसमें शाहरुख खान और अभिषेक बच्चन एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। अभिषेक बच्चन एक सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स विलन का किरदार निभा रहे हैं, वहीं शाहरुख खान हीरो होंगे। प्रोड्यूसर सिद्धार्थ आनंद और डायरेक्टर सुजाय घोष किंग को बड़े लेवल पर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक खबर यह भी है कि किंग में मल्टीपल एक्टर्स को कास्ट किया जाएगा। दरअसल ये फिल्म पहले शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की फिल्म थी, फिर स्क्रिप्ट में इतने बदलाव हुए कि सुहाना खान का रोल छोटा हो गया और लीड किरदार शाहरुख खान हो गए। एक रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक बच्चन तो फिल्म में मेन विलन होंगे, इसके अलावा भी कई और मल्टीपल्स विलन भी फिल्म में कास्ट किए जाएंगे। अभी कास्टिंग के लिए एक्टर्स की तलाश की जा रही है। फिल्म की शूटिंग भारत के साथ यूरोप के अलग अलग देशों में भी होगी। अब शूटिंग के लिए शेड्यूल बनाए जा रहे हैं। वैसे अभी तक कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म की शूटिंग साल 2025 के आखिरी तक पूरी हो जाएगी और साल 2026 में थिएटर में रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग शुरू होती उससे पहले अमिताभ बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के लिए एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ऑल द बेस्ट अभिषेक, अब वक्त आ गया है। अभिषेक बच्चन का सुजाय घोष के साथ ये दूसरा काम है, इससे पहले उनके साथ वो फिल्म बॉब विश्वास कर चुके हैं। अभिषेक बच्चन साल 2023 की फिल्म घूमर में भी पदम सिंह सोढ़ी का दमदार किरदार निभाकर अपने फैंस का दिल जीत चुके हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।